नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर आज पूरी दुनिया में शेयर हो रही है। ये स्टोरी बेहद इमोशनल है। इस तस्वीर की एक एक बात आपको बताएंगे कि आखिर कैसे हैदराबाद की ये तस्वीर, जिसमें एक स्कूल में एक क्लास चल रही है, बच्चे सब जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, सब ने अपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई है और इसी क्लास के बाहर एक बच्ची खड़ी है जो क्लास के अंदर झांक रही है। उसके हाथ में एक बर्तन भी है। पूरा मामला आपको साफ और आसान सी भाषा में समझा देते हैं। दरअसल ये एक सरकारी स्कूल है। बच्ची बर्तन के लिए इस उम्मीद में बाहर खड़ी है ताकि उसे भी थोड़ा बचा हुआ खाना मिल जाए। इसी तस्वीर ने सोशल मीडिया पर सबका दिल छू लिया। ये तस्वीर एक तेलुगु अखबार में छापी गई थी, लेकिन हमने सोचा कि इस तस्वीर को पूरा देश देख ले। अखबारों में लिखा था, भूख से त्रस्त होकर एक टक देखना। यह तस्वीर है देवल झाम सिंह गवर्नमेंट हाई स्कूल की। बच्ची का नाम है दिव्या। वो इस स्कूल में नहीं पढ़ती पर रोज स्कूल जाती है। पढ़ने नहीं, इसलिए ताकि मिड डे मील में मिलने वाले खाने में जो बच जाए वो उसे मिल जाए और उसका पेट भर सके। इस तस्वीर के अखबार में आने से वहां के एक शख्स का दिल पसीज गया और उन्होंने वो कर दिखाया जो इस बच्ची को चाहिए था। अब बच्ची को यहां खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेड्डी ने अपने एनजीओ के बाकी लोगों से संपर्क किया। उन्होंने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि दिव्या को इस स्कूल में एडमिशन मिल जाए। बाद में अपने फेसबुक पर पोस्ट किया और दिव्या के एडमिशन पर उन्हें बधाई भी दी। इस तस्वीर में दिव्या अपने माता पिता, स्कूल की बाकी टीचर्स के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्लास के अंदर वो यूनिफॉर्म पहने हुई हैं। तो है ना ये गजब की खबर। आप भी ऐसी खबरों के लिए हमें मेल कर सकते हैं headlines.assignment@gmail.com और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। इस खबर को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।